के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने अमेरिका के ऑरलैंडो में हुए शूटआउट को बहुत बड़ी ट्रेजेडी बताते हुए कहा है कि मुस्लिमों को आतंकवादी के रूप में देखना सही नहीं है। दलाई लामा ने कहा, बौद्ध समेत सभी धार्मिक समुदाय में कुछ उपद्रवी और बुरे लोग होते हैं, लेकिन आप सभी को एक जैसा नहीं मान सकते। इस्लाम का सही मायने में पालन करने वाला व्यक्ति कभी भी कत्लेआम नहीं करेगा। मुसलमानों में कुछ व्यक्ति आतंकी गतिविधियों में लिप्त होते हैं, लेकिन हम सभी मुस्लिमों को आतंकवादी नहीं कह सकते। मुझे लगता है कि ऐसा कहना गलत है। दरअसल दलाई लामा अमेरिकी कांग्रेस की ओर से स्थापित थिंक टैंक US इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में बोल रहे थे। दलाई लामा ने वहां पर भारत की अनेकता में एकता की तारीफ करते हुए कहा कि दुनिया को भारत से सीख लेनी चाहिए, जो दुनिया के कई प्रमुख धर्मों की स्थली है और जहां लोग सौहार्द पूर्वक रहते हैं। उन्होंने कहा कि समस्याओं के बावजूद भारत में 2000 सालों से धार्मिक सौहार्द बरकरार है। उन्होंने ऑरलैंडो में मारे गए लोगों को थोड़ी देर मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। NMF न्यूज की रिपोर्ट।